नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल पाकिस्तान ने भारत को करारी शिकस्त दे दी है। और आपको बता दें, इतिहास में जो ना हुआ वो पिछले 7 सालों में हुआ, और जो पिछले 7 सालों में ना हुआ वो आज हो गया। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पनौती को लेकर जमकर सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है। लोगों का गुस्सा फूट रहा है, फैंस का गुस्सा फूट रहा है। और एक तरीके से अमित शाह के बेटे जय शाह मैच देखने पहुंचे थे, और उनको जिस तरीके से सोशल मीडिया में ट्रोल किया जा रहा है, उसके वजह जो है भारत की हार की वजह जो है मोदी एंड कंपनी को गुस्सा उन पर लोगों का फूट रहा है। दरअसल कल करारी हार हुई है। भारत 151 रन पे बुक हो गई थी 7 विकेट पे, जबकि पाकिस्तान ने इस कदर लथाड़ा है कि 152 रन बना दिए हैं महज 18 ओवरों में और बिना किसी नुकसान के। तो ये पाकिस्तान ने जीत जो दर्ज की है, ये अपने आप में ऐतिहासिक जीत दर्ज की, और ये भारत के लिए बुरी हार है। लेकिन अब इस बुरी हार के बीच सोशल मीडिया पे जो है वो अक्षय कुमार, जय शाह और भारत के जो बॉलीवुड के गए लोगों पर गुस्सा फूट रहा है। सोशल मीडिया में पनौती ट्रेंड कर रहा है, लोग अक्षय कुमार पर सीधा सीधा निशाना साध रहे हैं, लोग अमित शाह के बेटे जय शाह पर सीधा सीधा निशाना साध रहे हैं। जिस तरीके से वो लोग हंसते खिलखिलाते चेहरे देखे गए, तो सवाल अभी उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान जिस तरीके से जीता है उसके बाद से ये लोग हंसते हुए दिखाई दिए हैं? आखिर क्या कुछ माजरा है? सोशल मीडिया में फैंस का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों का कहना है कि बिना किसी प्रैक्टिस की टीम इंडिया मैदान में उतर गई थी, यही करारी हार का वजह बना है। सबसे बड़ी बात यह है कि गोदी मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा फूट रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया जिस तरीके से पहले ही चढ़ा दिया था टीम इंडिया को, वो भी हार की वजह बने हैं। और इस हार के बाद लोग जो है विराट कोहली तक को भी नहीं बख्श रहे हैं। लोगों का कहना है विराट कोहली ही पूरी पनौती है, विराट कोहली इसलिए कि पूरी टीम इंडिया ने जिस तरीके से काम किया है वो ठीक नहीं है। तो वहीं पाकिस्तान में जश्न का माहौल बना है। पाकिस्तान में लोग इमरान खान को भी बधाई दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इमरान खान के नेतृत्व में जबरदस्त तरीके से जीत हुई है। बाबर आजम ने जिस तरीके से 68 रन बनाए हैं महज 52 गेंदों में, वो अपने आप में स्ट्राइक रेट उनकी सबसे अच्छी रही। वहीं मैन ऑफ द मैच की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी, जो कि बड़ी बात यह है कि काफ़ी रन वो भी बनाए थे। आपको अगर बात करें हम बाबर आजम के अलावा, मोहम्मद रिजवान जो कि वो भी लगभग 79 रन बनवाए थे और 55 बालों पे, तो वो भी बड़ी बात है। जो कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये सारी के सारे मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने ही दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को करारी शिकस्त दे दी है। और सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा मोदी, अमित शाह के बेटे और अक्षय कुमार पर फूट रहा है, और तरह तरह की लोग मीम शेयर कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये सारे के सारे पनौती जब पहुंच गए थे मैच देखने तो हारना था ही। इसके साथ तस्वीरें मोदी की भी वायरल हो रही कि मोदी यहाँ बैठकर पिक्चर देख रहे थे, यहाँ बैठकर क्रिकेट देख रहे थे, इसीलिए जो है ये करारी हार हुई है। क्योंकि कुछ लोगों तो ये कहना है कि बाबर आजम की जर्सी का नंबर 56 था और इसीलिए ये जो है 56 पनौती हुई है। तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। अब इस हार को आप कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। मोदी जी की ये तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो टीवी देखते नज़र आ रहे हैं, और लोगों का कहना है कि ये जो मोदी जी यहाँ क्रिकेट देख रहे थे इसी वजह से भारत की हार हुई है। तो जमकर ट्रोल मोदी जी हो रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी अगर गए होते तो इतना लंबा फेंकते, आज ये दिन ना देखने पड़ते और चुनाव जीत होती। अब आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें।